उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में स्कूल जा रहे छात्र का ई रिक्शा पलटा, घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत। आपको बताते चलें, स्कूल जाते समय तेज रफ्तार से चला रहा ई रिक्शा को बहेड़ी के रेलवे फाटक के पास अचानक पलट गया, जिसमें छात्र छात्राएं घायल हो गई। घायलों में आकांक्षी को गंभीर चोट आई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना बहेड़ी क्षेत्र के गांव सकरस निवासी मुकेश कुमार की पुत्री 8 वर्षीय आकांक्षी 19 दिसंबर को ई रिक्शा में बैठकर केसर प्राइमरी स्कूल के लिए जा रही थी। क्या नाम भैया आपका? राजकुमार सागर। आपकी कौन सी? मेरी भतीजी। कैसे खत्म हो गई, कहाँ गई थी? ये स्कूल आ रही थी पढ़ने, ई रिक्शा से। ई रिक्शा से पढ़ने आ रही थी, तेज रफ्तार में टुक टुक चला रहा था, वो मोड़ते समय वहाँ से पलट गई। कहाँ स्कूल है ये? बहेड़ी में है। घटना हुई थी ये रेलवे फाटक के पास, बहेड़ी में। ये है 19 दिसंबर। उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराई थी। कौन सी क्लास की छात्र थी ये? सेकंड में थी। फिर उसके बाद वहाँ से आपको उठा के भी नहीं ले गया बच्ची? फिर क्या है, यहाँ पर उसने दम तोड़ दिया। यहाँ एडमिट कराई थी डिस्ट्रिक्ट में, CSC तक ले गया। इसको CSC वालों ने यहाँ रेफर कर दिया, यहाँ से उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। टुक टुक से जी। कहाँ पलटा गया? ये फैक्ट्री गेट के सामने, गन्ना मिल गेट है, रेलवे क्रॉसिंग के पास, वहीं 19 दिसंबर। कहाँ के रहने वाले आप? सकरस का रहने वाला हूँ। 8:30 बजे की घटना। ये रिक्शा भी नहीं पकड़ा, वो भाग गया है। कोई मदद नहीं की, यहाँ देखने के भी नहीं आया, और कह रहा था जी कि आपको जो करना है वो करें, हम ना देखने आए ना हम कुछ। केसर प्राइमरी स्कूल। आप कहाँ के रहने वाले जी? हम सकरस के रहने वाले।